सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो यार जैसा कि आपको मूत्रों से पता चला होगा कि सोनी भी अपना एक सिनेमेटिक यूनिवर्स बनाने में लगा है जो कि है स्पाइडर वर्स, और काफी हद तक तो बना भी चुका है और आगे भी बनाता रहेगा, जिसकी अगली मूवी होगी मैडम वेब के ऊपर। अब जिन लोगों ने कॉमिक्स पढ़ी है वो तो मैडम वेब को जानते ही होंगे कि मैडम वेब का क्या रिश्ता है स्पाइडर मैन के साथ। अब देखो यार, मैडम वेब और स्पाइडर मैन का मल्टीवर्स कनेक्शन है, क्योंकि मैडम वेब जो है वो मल्टीवर्स के सारे स्पाइडर मैन को देख सकती है। मैडम वेब को पहले से ही पता होता है कि किस स्पाइडर मैन के यूनिवर्स क्या चल रहा है, और इस बारे में रूमर्स ये चल रहे हैं कि मैडम वेब जो मूवी आएगी वो कनेक्टेड होगी द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 से। हाँ देखो, अब अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 आई तो नहीं है, लेकिन ऐसे रूमर चल रहा है कि वो भी जल्दी आने वाली है। उसमें विलन की एक टीम होगी सिनिस्टर 6, क्योंकि देखो मॉर्बियस का जो पोस्ट क्रेडिट सीन था वो इस बात को कहीं ना कहीं तो सच साबित करता है, क्योंकि उस वाले पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा था कि जो वल्चर है वो एमसीयू वाले यूनिवर्स से टेलीपोर्ट होकर मॉर्बियस के यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो जाता है। और देखो ऐसे भी रूमर चल रहे हैं कि जो मॉर्बियस का यूनिवर्स है वही अमेजिंग स्पाइडरमैन वाले का यूनिवर्स है, मतलब एंड्रयू गारफील्ड वाला यूनिवर्स भी वही है। और देखो ये वल्चर को इस यूनिवर्स में लाया तो कुछ ना कुछ तो काम कराएंगे उससे, और जब वल्चर इस यूनिवर्स में आ चुका है तो वो स्पाइडरमैन को क्यों ही छोड़ेगा। और ये बात भी हमें इसी मूवी में पता चल जाएगी कि वल्चर इस वाले स्पाइडरमैन को मारना क्यों चाहता है, क्योंकि ये तो वो वाला स्पाइडरमैन है ही नहीं, इस बेचारे अंदर तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी वल्चर इसे मारने की कोशिश करेगा, और उसी कोशिश में वल्चर बनेगा 6 विलेन वाली एक टीम सिनिस्टर 6।